श्रीमती सुधा सिंह पत्नी अमरजीत सिंह को अपना अमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। गोला के वीएसएबी इंटर कॉलेज से तीनों नगर पंचायत चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां की गई रवाना। नगर निकाय चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना की गईं। सभी पार्टियां शाम तक मतदान केंद्र पर पहुंच गईं। 4 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कतार में लगे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दहेज उत्पीड़न कारित करने व मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा जनपद में घटित लूट चोरी व मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज गोरखपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना अध्यक्ष गीडा के कुशल निर्देशन में उपनिरीक्षक अनूप सिंह, मैं हमराही कांस्टेबल रमेश चंद्र जोशी द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 181 2023 धारा 147 148 323 308 498 भादवी संबंधित से वांछित अभियुक्त दीपचंद पुत्र परशुराम निवासी ग्राम ज्योत मामापार थाना गीडा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बगल के मकान का ताला तोड़कर किराने की दुकान में चोरी। गगहा थाना क्षेत्र के हांटा बाजार पाजूपार मंदिर के सामने रियाव निवासी राम नरेश गुप्त पुत्र स्वर्गीय खदेरू गुप्त की किराने की दुकान है। बीती रात चोरों ने बगल के खाली पड़े दिल्ली में रह रहे राधे श्याम गुप्त के मकान के तीन ताले तोड़कर सीढ़ी के रास्ते दुकान में घुसकर किराने की दुकान में रखे काउंटर से लगभग 25,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। दुकान मालिक राम नरेश ने बताया कि रोज की तरह रात 9 बजे दुकान बंद कर अपने घर रियाव चला गया था। सुबह जब दुकान खोला तो सामान बिखरा हुआ मिला। जब काउंटर पर नजर पड़ी तो काउंटर टूटा हुआ था और उसमें रखे रोजगारी सहित लगभग 25,000 रुपए गायब थे, जिसकी सूचना तत्काल डायल्ड 112 पर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से 50 मीटर की दूरी पर एक वर्ष पूर्व शुक्ला जनरल स्टोर पर लाखों की चोरी हुई थी। जब्ती में पुरानी रंजीश को लेकर युवक को मारा चाकू। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा जब्ती में पुरानी रंजीश को लेकर युवक को चाकू मार देने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। युवक पेट में चाकू लगा है। पुलिस मामले की जांच और कार्रवाई में जुट गई है। बांसगांव में मतदान कर्मियों को नहीं मिला भोजन। बांसगांव में मतदान कर्मियों के लिए कोई व्यवस्था ना होने से उनके सामने भोजन पानी आदि का संकट हो गया है। जमीन पर सोने के साथ मजबूर हैं। भोजन के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतदान कर्मी परेशान दिख रहे हैं। जी हमारा कहाँ से है? बड़ा लगा सब लोग चुनाव में आए हैं। क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको? कुछ नहीं मिला है। खाना पानी? कुछ नहीं। कब से आते बैठे हैं? पहली तारीख को शाम से। अच्छा, तीन दिन हो गया तो सब कुछ नहीं। चलो कैसे खाना पीना खा रहे हैं? नाश्ता पानी कर रहे हैं। और सोते कहाँ है? इसी जगह बस में। आपका क्या नाम है? दिगंबर यादव। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? खाना पीना? सोना? सोना और गाड़ी सोते हैं। अनुराग तिवारी। खाना कुछ नहीं, गाड़ी में। आप लोग कलाम जितेंद्र? कहाँ से हैं आप लोग? जगदीशपुर गोलवान से। क्या व्यवस्था मिली है? कुछ व्यवस्था नहीं है।